तो क्या अगर 2023 में आप लोग YouTube पर आना चाहते हो, YouTube से पर मत लाखों रुपये अर्निंग करना चाहते हो, बट आपको चैनल आइडियाज़ नहीं मिल रहा है, आप कौन सा चैनल बनाएं, किस तरह का वीडियोस अपलोड करें अपने चैनल पर, ताकि आपका चैनल तेज़ी से ग्रोथ भी हो पाए, आपके पर वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज़ भी आ जाए, आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाए और आप YouTube से जल्द पैसे अर्निंग कर पाए और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े। तो आपने गाइस बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज की इस वीडियो में गाइस आप लोगों को एक ऐसी कॉपी पेस्ट चैनल आइडियाज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो चैनल है गाइस वो यूट्यूब पर अभी ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह का वीडियोस बनाएंगे तो आपके वीडियो पर करोड़ों में व्यूज़ भी आएगा एंड आपका चैनल तेज़ी से ग्रोथ भी होगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है ना गाइस, कहीं से आपको वीडियोज़ को डाउनलोड करना है एंड थोड़ा बहुत एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करना है। जस्ट आपको यही काम करना होगा। देख सकते हैं मेरे साइड में एक चैनल है, इस चैनल का एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग देखिए $149 है, ठीक है। और इन्होंने उनके चैनल पर कितने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, 84 वीडियोस अपलोड किए हैं। सब्सक्राइबर देखिए, 84 वीडियो से सब्सक्राइबर देखिए 121,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है ना गाइस। अब मैं आपको और एक चैनल दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इस चैनल का जो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग है वो $804 है, ठीक है। इन्होंने कितने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं उनके चैनल पर, आप देख सकते हैं 80 वीडियोस अपलोड किए हैं। सब्सक्राइबर देखिए 868,000 सब्सक्राइबर है, काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा सब्सक्राइबर है। यानी कि आप सोच सकते हो कि ये चैनल कितना तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। तो इन्होंने क्या वीडियोस अपलोड करते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बट आपको मैं और एक चैनल दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस चैनल का जो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग है वो $78,000 है, इसका मिनिमम अर्निंग देखिए $78,000, यानी कि गाइस आप 60 लाख ही समझ लीजिए, 60 लाख पर मंथ यूट्यूब से अर्निंग करता है, 60 लाख समझ सकते हो। और ये सिर्फ अर्निंग है कॉपी पेस्ट करके, खुद का उन्होंने उनके चैनल पर वीडियोस नहीं अपलोड करते हैं, कहीं से वीडियोस को डाउनलोड करते हैं, थोड़ा बहुत एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं। अब मैं गाइस उनके चैनल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनका चैनल मोनेटाइजेशन है या नहीं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं चैनल का नाम है किड्स कॉर्नर, ठीक है। और उन्होंने ये बेबी का जो वीडियोज़ होते हैं वो अपलोड करते हैं, यानी कि फानी बेबी का जो वीडियो होता है वो अपलोड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नहा रहा है, कुछ हरकत कर रही है, वो वीडियोज़ को अपलोड करते हैं, ठीक है। और इनके व्यूज़ देखो, काफ़ी अच्छा खासा व्यूज़ है, देखो करोड़ों में व्यूज़ है। ये देखो ये जो वीडियो है गाइस वो 7.9 करोड़, 3.9 करोड़, 3.2 करोड़, करोड़ों में व्यूज़ है पर वीडियो पर, ठीक है। और कुछ इस टाइप के वीडियोस अपलोड करते हैं, इसका ये खुद का वीडियो नहीं है, ठीक है, कहीं से ये डाउनलोड करते हैं और अपलोड करते हैं। ये चैनल देखो, चैनल का नाम है 5 मिनट फेल्स, ठीक है। 7 लाख सब्सक्राइबर है, 7,68,000, 80 वीडियो से उन्होंने 7,68,000 सब्सक्राइबर ले लिया है, ठीक है ना गाइस। और ये सिमिलर वीडियोस अपलोड करते हैं, बेबी के जो वीडियोस होते हैं गाइस वो अपलोड करते हैं। आप देखो करोड़ों में व्यूज़ भी है, ठीक है ना गाइस पर वीडियो पर। एक वीडियो मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि इसका खुद का वीडियो है या कहीं से डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते हैं इनके जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो देखो किस टाइप का है, ये इसका ओरिजिनल वीडियो नहीं है, ये कहीं से डाउनलोड किया है, ठीक है ना गाइस। और व्यूज़ काफ़ी अच्छा खासा आते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। और इसके चैनल मोनेटाइजेशन भी है, ऐसा नहीं कि चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है। आप देख सकते हैं चैनल पर सुपर थैंक्स बटन इनेबल किया हुआ है, इसका मतलब है चैनल मोनेटाइजेशन है। सुपर थैंक्स बटन तभी मिलता है जब चैनल मोनेटाइजेशन होता है, ये तो आपको पता होगा गाइस, ठीक है ना गाइस। तो ये गाइस मैंने आपको सब कुछ लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि आपको कौन से कंटेंट पर काम करना है, इस तरह की वीडियो पर व्यूज़ कितने आते हैं, चैनल ग्रोथ कितना है, सब कुछ मैंने दिखा दिया, चैनल मोनेटाइजेशन होता है या नहीं होता है। अब गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी इस टाइप का काम करना चाहते हो, कॉपी पेस्ट करके पैसे अर्निंग करना चाहते हो, इस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप कैसे बनाओगे, कहाँ से आपको वीडियो फुटेज को लेना है ताकि आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाए। तो चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो फुटेज को लेने के लिए गाइस आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद गाइस मैं आप लोगों को दो वेबसाइट बताने वाला हूँ, वहाँ से आप वीडियो फुटेज को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो हम यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले गाइस आपको सर्च करना है पिक्साबे, ठीक है। पिक्साबे सर्च करने के बाद गाइस ये जो पिक्साबे वेबसाइट है वो काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है और यहाँ से आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड वीडियो फुटेज ले सकते हो। ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक नहीं आएगा। सिंपली सर्च बॉक्स पर आपको सर्च करना है बेबी फनी वीडियो फुटेज, तो यहाँ पर आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएगा और यहाँ पर आपको वीडियो, यहाँ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करना है एंड आपको वीडियो मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये तो गाइस मैंने एक वेबसाइट बता दिया। अब मैं आपको और एक वेबसाइट बताना चाहूँगा जिसका नाम है पिक्सल्स, ये भी गाइस काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, दोनों ही वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर है। इस वेबसाइट से भी आप जो है फनी बेबी के वीडियो फुटेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली से वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है बेबी, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है बेबी, बेबी लिखकर आपको सर्च कर देना है, या बेबी वीडियो फुटेज लिखकर भी आप सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखो क्या हो गया, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना गाइस, ध्यान से देखिए।
चलो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ बेबी, ठीक है। नहीं तो आप इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर लीजिए, इतना झंझट झमेला कुछ नहीं होता है, ठीक है। एप्लीकेशन से तो एप्लीकेशन को ओपन करना है, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है बेबी वीडियोज़, ठीक है। चलो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने बट वीडियो में काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सर्च करता हूँ बेबी, ठीक है, बेबी मैंने सर्च कर दिया। एंड सर्च करने के बाद गाइस आपको वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेगा जो कि हाई क्वालिटी में आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, कोई भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक नहीं आएगा, ठीक है ना गाइस। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप अपने चैनल को इसको अपलोड करके मोनेटाइज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए, कोई भी रिव्यूज भी कंटेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से गाइस आपको वीडियो फुटेज को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए सिंपली से यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पर रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे और आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, बस डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप एडिटिंग कैसे करोगे। तो एडिटिंग करना गाइस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ठीक से एडिटिंग नहीं कर पाते हो तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा, रीयूज़ कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस इस वीडियो फुटेज को ऑलरेडी बहुत लोग यूज़ किया है यूट्यूब पर, ठीक है, डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे तो आपके चैनल पर रीयूज़ कंटेंट आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ये वीडियो फुटेज। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत एडिट करना है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना है, पूरी बेहतरीन तरीके से एडिटिंग करना होगा। एडिटिंग करने के बाद आपको अपलोड करना है, ठीक है ना गाइस, ये आपको काम करना होगा। तो एडिटिंग करने के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक बेस्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसका नाम है VN, ये फ्री में अवेलेबल है प्ले स्टोर में, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस नीचे आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको 1, 2, 3 जो वीडियो फुटेज आपने डाउनलोड किया है उसको आपको सिलेक्ट करके नीचे एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो फुटेज जो है वो आ जाएगा। अब आपको करना क्या होगा वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपको करना क्या होगा, इस वीडियो फुटेज का जो स्पीड लेंथ है वो आपको थोड़ा बहुत कम करना है, नहीं तो ज़्यादा कर देना है, ठीक है। मतलब ओरिजिनल वीडियो का जो लेंथ है, स्पीड लेंथ, वो आपको नहीं रखना है, आपको चेंज करना होगा। तो ये गाइस आपको फास्ट नंबर पर काम करना होगा, ऑल वीडियो फुटेज पर आपको काम करना होगा। उसके बाद आपको नीचे एक फिल्टर का ऑप्शन है, इस फिल्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इस वीडियो का जो कलर एडजस्टमेंट है वो आपको चेंज कर देना होगा, ठीक है। आपको सिंपल से एडजस्टमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, फिर यहाँ पर सेचुरेशन, फिर यहाँ पर ब्राइटनेस, ये आपको काम ज़्यादा करके आपको थोड़ा बहुत चेंज कर देना होगा, ठीक है, ये आपको काम कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको करना क्या होगा, इस वीडियो का जो ऑडियो है वो आपको एक्सट्रैक्ट कर देना होगा, ठीक है। नीचे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर डिलीट का जो ऑप्शन है आपको डिलीट कर देना है, ओरिजिनल साउंड आपको नहीं रखना है वीडियो का, ठीक है। तो ये आपको काम करना होगा। एंड काम करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको बैकग्राउंड पर आपको एक फ्री वाला कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कहाँ मिलेगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड अपलोड करके रख दिए, वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ये आप चाहते हो यूट्यूब पर जाकर NCS सर्च कर दीजिए, आपको काफ़ी बड़ा एक चैनल मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या ऑडियो लाइब्रेरी से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। ये आप चाहे तो गाइस पिक्साबे से भी कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर जस्ट सर्च करता हूँ फ़ानी, ठीक है, मैंने फ़ानी सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद गाइस आपको ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जस्ट सर्च करना है एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं रॉयल्टी फ्री फनी म्यूजिक, ठीक है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक नहीं आएगा। सिंपली से यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर प्ले करके भी आप सुन सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रख लिया है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसको आप ऐड कैसे कर सकते हो वीडियो पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को पूरा एंड तक। तो VN पर गाइस आपको फिर से आना है, आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा म्यूजिक, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इस बैकग्राउंड म्यूजिक आपको चूज करके राइटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसका आपको फुल वीडियो पर ऐड कर देना होगा, ठीक है, जस्ट आपको यही काम करना होगा। अब अभी मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ, कुछ इस टाइप का वीडियो बन जाएगा इस, ठीक है। पूरी तरीके से आपको चेंज करना है, एकदम मॉडिफाई कर लेना है, खुद का ओरिजिनल कंटेंट बना लेना है, ठीक है, एक यूनिक कंटेंट बनाना है चेंजेस करके, एडिटिंग करके।
एंड आपको ऊपर में जो शेयर का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। रेजुरेशन फ्रेम रेट डिटेल सेलेक्ट करके आपको राइटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड इसको आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद गाइस आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। कोई भी रीयूज कंटेंट नहीं आएगा, आपका चैनल 100% मोनेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरी अच्छी तरीके से वीडियो को मॉडिफाई करना होगा, यही आपको काम करना होगा। आप चाहे तो वॉइस ओवर भी कर सकते हो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वॉइस ओवर करेंगे तो आपके चैनल का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो ये आपको इस तरीके से काम करना होगा। आप गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थंबनेल कैसे बनाओगे। तो थंबनेल बनाने के लिए गाइस आपको वीडियो फुटेज को सिलेक्ट करना है, जो बेस्ट पार्ट है उसको सिलेक्ट करना है, फिर स्क्रीन शॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेने के बाद इसको आपको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कलर ग्रेडियंट्स करके अपने वीडियो के थंबनेल पर इसे ऐड कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कहोगे कि भाई इस वीडियो का हम कैटेगरी क्या रखेंगे, तो इस वीडियो का कैटेगरी आप चाहे तो इंटरटेनमेंट रख सकते हो, क्योंकि मैंने जो चैनल आपको दिखाया है ना वो चैनल इंटरटेनमेंट ही कैटेगरी सेलेक्ट करके रखे थे, इसीलिए मैं आपको उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हो गाइस, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तेज़ी से ग्रोथ भी हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप मैसेज कर दीजिए, डीएम करिए, कुछ भी कहिए, मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहीं तक गाइस आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करो, चैनल आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।